नमस्कार, मैं खुशवानी चौधरी, क्रिकेट में आपका स्वागत है। पाकिस्तान क्रिकेट में स्थिरता की तलाश एक बार फिर मुश्किल में है, क्योंकि पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के सफल कोच गैरी कस्टर्न ने केवल 6 महीने बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के व्हाइट बॉल मुख्य कोच पद से इस्तीफा देने का निर्णय लिया है। कस्टर्न के इस्तीफे की वजहें स्पष्ट नहीं हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB के साथ उनके मतभेदों ने इस कदम को प्रेरित किया है। कस्टर्न, जिन्होंने भारत को 2011 का विश्व कप जिताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अप्रैल 2024 में पाकिस्तान टीम के कोच नियुक्त किए गए थे। उनकी कोचिंग के दौरान पाकिस्तान की टीम ने T20 विश्व कप 2024 में हिस्सा लिया, लेकिन टीम का प्रदर्शन निराशाजनक रहा और वह सुपर 8 में जगह नहीं बना सकी। इससे टीम की मौजूदा स्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। हाल ही में PCB ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बाबर आजम को व्हाइट बॉल कप्तान के पद से हटाकर मोहम्मद रिजवान को उनकी जगह नियुक्त किया। माना जा रहा है कि इस बदलाव से कस्टर्न के इस्तीफे की संभावनाओं को और भी बल मिला, क्योंकि एक नई कप्तानी के साथ उन्होंने अपनी भूमिका में बदलाव की संभावना को भी देखा होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर आरोप हैं कि वो बार बार रास्ता बदलते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक PCB द्वारा टीम सेलेक्शन में उनके अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया था, जिसके कारण उन्हें निराशा महसूस हुई और उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। कस्टर्न ने शायद महसूस किया कि चयन समिति का बढ़ता प्रभाव उन्हें टीम से अलग कर रहा है, जिससे वह खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट में स्थिरता की कमी एक बड़ी समस्या रही है। टीम के कप्तान, उपकप्तान और कोच में बार बार बदलाव होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की किस्मत में कोई बदलाव नहीं आया है। कस्टर्न का इस्तीफा इस बात का संकेत है कि समस्या केवल खिलाड़ियों या कोचिंग स्टाफ में नहीं, बल्कि समग्र प्रबंधन में है। कस्टर्न के इस्तीफे के बाद अब सवाल उठता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नए कोच के लिए कौन सी रणनीति अपनाएगा। क्या वे एक अनुभवी कोच को लेंगे या फिर किसी नए चेहरे को मौका देंगे? इस सवाल का उत्तर जल्द ही मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तेजी से तैयारी करनी होगी। इस बीच कस्टर्न अपने करियर को लेकर भी विचार कर रहे हैं। उन्होंने IPL 2024 में गुजरात टाइटंस के मेंटोर और बैटिंग कोच के रूप में भूमिका निभाई और गुजरात टाइटंस ने बखूबी अपना जीत हासिल भी किया IPL में। उनके लिए यह महत्वपूर्ण होगा कि वे एक ऐसी टीम में योगदान दें जहां उन्हें अपनी कोचिंग क्षमताओं का पूरा उपयोग करने का अवसर मिले। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि PCB इस स्थिति को कैसे संभालता है और टीम को कैसे मजबूती प्रदान करता है। और साथ ही, क्या आपको लगता है कि टीम के चयन में लगातार बदलावों से पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। क्रिकेट के तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें चक दे क्रिकेट। धन्यवाद।